कॉलम मेथड फॉर एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा कॉलम है इसीलिए कॉलम खींचा हुआ है, और यहाँ पे एडिशन है इसीलिए हम लोग इसको कॉलम मेथड कह रहे हैं फॉर एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें एक एडिशन परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, 2 स्क्वायर 2x पावर 2, फिर 3x प्लस 4y प्लस 7, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉलम में दिया हुआ है 5x माइनस 4y माइनस 3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को करना है प्लस, ठीक है ना, मतलब हम लोग इसको करना है प्लस, हम लोग को एडिशन करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग को देख लेना है, यहाँ पे हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस का ये साइन लगाना होगा जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए 2x पावर 2 का हमारा वही लिखा जाएगा 2x पावर 2, क्योंकि उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए ये 3 और प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये 5x होता और 3y होता तब यहाँ पे ऐड नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों अल्फ़ाबेट सेम है तो यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही सेम बात है, यहाँ पे दोनों के दोनों लाइक टर्म है इसीलिए हम लोग दोनों को ऐड कर दिए 4 प्लस 4, लेकिन यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना था, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का माइनस का साइन था तो हम लोग माइनस कर दिए, माइनस कर दिए तो कितना हो गया 4 माइनस 4 हो गया हमारा 0, ठीक है ना। फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हम लोग को माइनस का साइन हम लोग को नीचे दिख रहा है तो हम लोग को माइनस का साइन नीचे कर देना है, ठीक है ना। यानी कि 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एडिशन था इसलिए हम लोग को बीच बीच में एडिशन का साइन लगा देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है। और देखिए ये कॉलम मेथड होता है और इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको ये मालूम करना है कि जो कॉलम मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट मेथड होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने का, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।